आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में 8 लाख रुपया फंसने का सदमा नहीं झेल पाए, एक की मौत। दोस्तों ये बहुत बैड न्यूज़ इस वक्त हमारे सामने है। न्यूज़ सुनाने से पहले दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि थोड़ा सा आप इस न्यूज़ को ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त निवेशकों के क्या हालात हैं और किस तरीके से वे अपनी मौत मर रहे हैं। ये न्यूज़ हमारे पास भास्कर नेटवर्क से आई है जो कि 11 दिसंबर 2019 समय 7:06 पर आई है। जोधपुर की यह न्यूज़ है और पूरी न्यूज़ का सार यह है दोस्तों, परिचित यानी जान पहचान के माध्यम से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश पर ऊंची ब्याज दर मिलने के झांसे में फंसकर कुंडी भगवता सानी हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले एक व्यक्ति ने अलग अलग स्कीम में अपनी पूरी जमा पूंजी के कुल 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन फायदे मिलने से पहले ही कंपनी की धोखाधड़ी उजागर हुई तो निवेशक को गहरा सदमा लगा और कई महीने तक यहाँ वहाँ चक्कर लगाने के बाद भी मूल रकम तक वापस नहीं मिली तो मानसिक परेशानी के चलते करीब 2 माह पहले उसकी मौत हो गई। अब उनकी पत्नी ने कोर्ट में इस्तगासा पेश कर कुंडी थाने में केस दर्ज कराया है। कुंडी भगवत सानी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में सेक्टर 8 निवासी जगदीश पत्नी सव्या श्याम सुंदर गौड़ की ओर से कोर्ट में पेश इस्तगासा के अनुसार उनके पति ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्थानीय एजेंट व ऑफिस के अधिकारियों के प्रलोभन देने पर ना चाहते हुए भी वर्ष 2017 में 5 लाख रुपये और 2018 में 3 लाख रुपये निवेश किए थे। कुछ माह पहले सोसाइटी के डायरेक्टर द्वारा निवेशकों की राशि का दुरुपयोग करने हड़पने की खबर अखबारों में लगातार प्रकाशित होने लगी थी और बाद में कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। इससे श्याम सुंदर गौड़ सदमे में आ गए और अपनी जमा पूंजी वापस हासिल करने के लिए गौड़ ने कई बार सोसाइटी की शाखा के चक्कर लगाए, लेकिन वहां साफ मना कर दिया गया। वहां जाने पर उल्टा गौड़ को धमकियां दी जाने लगी। इससे दुखी होकर श्याम सुंदर गौड़ की तबीयत बिगड़ गई तो परेशान परिवार वालों ने उन्हें बासनी क्षेत्र के स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहाँ गत 13 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। परिवार बिखरने के बाद उनकी पत्नी को संभलने में काफ़ी वक्त लगा। आखिरकार उन्होंने कोर्ट की शरण लेकर सोसाइटी के निदेशक मुकेश मोदी, राहुल मोदी, विवेक हरियावासी, ललित राज पुरोहित, स्थानीय 2-3 शाखा प्रबंधक, रीजनल मैनेजर एवं एजेंट के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब इस परिवार को पुलिस से ही न्याय की उम्मीद है। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है और बताया जा रहा है आपको किस तरीके से निवेशकों के साथ अपने पैसे को लेकर चिंता और चीता के समान बनकर उभर रही है। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको अगर हमारी ये न्यूज़ पसंद आती है तो दोस्तों यह हमारी न्यूज़ आपको कुछ आगे पहुंचानी है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे ज़्यादा धन्यवाद। जय जय।